हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑप्शन ए CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ऑप्शन बी CH3 CH2Cl, ऑप्शन नंबर सी CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, ऑप्शन नंबर डी CH3 होल थ्राइस CCl। सो क्वेश्चन हमको ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा मतलब रिएक्टेंट हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना होगा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एग्जैक्टली होता कैसे है। सो हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो एक्चुअली हमारा न्यूक्लियस को पसंद करता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो ऑलरेडी सपोज जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। सो मैं इसको Nu माइनस डिनोट करूंगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जो जिसको इलेक्ट्रोफाइल पसंद है। ठीक है, तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अगर खुद इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो उसी स्पीसीज को ही पसंद करेगा। सो इट विल अटैक इलेक्ट्रोफाइल। ऑब्वियस बात है, इसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, मतलब वन काइंड ऑफ इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पोर इलेक्ट्रॉन पोर सेंटर, एक इलेक्ट्रॉन पोर स्पीसीज चाहिए। तो ऑप्शन ए में देखो एक बार, CH2 ऑप्शन में क्या है, विनाइल क्लोराइड है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये क्या है, विनाइल क्लोराइड। तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो देखेगा क्या उसको काम होगा या पे अटैक करना। ठीक है, तो देखेगा ऑलरेडी हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच रीजन है, ये पे क्या है, पाई क्लाउड है। ठीक है, यह पे है पाई क्लाउड। ठीक है, बराबर के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे रिपेल फील करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ नहीं पाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ नहीं पाएगा। तो डेफिनेटली ये जो विनाइल क्लोराइड है इसमें क्या होगा, लीस्ट रिएक्शन होगा, लीस्ट रेट, या फिर लीस्ट काइनेटिक होगा। तो ये क्या होगा, लीस्ट रिएक्शन रेट होगा, लीस्ट रेट और काइनेटिक्स होगा। ठीक है, रिएक्शन होगा नहीं ऑलमोस्ट। बाकी ऑप्शन में देखो CH3 CH2Cl जो है, CH3 CH2Cl जो है, हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस क्लोरीन को निकाल देगा इजिली। तो इसमें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे इजिली होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ठीक है, नाउ थोड़ा सा ऑब्जर्व करके कि देखो ये एक्चुअली 1 डिग्री मतलब प्राइमरी है, प्राइमरी सेंटर है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में देखो CH2, देखो इसको बोलते हैं एलाइलिक एलाइलिक क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अभी इस सेंटर पे आएगा, अटैक करके इसको निकाल देगा। तो देखो पाई बॉन्ड तो यहाँ पे बेपर पाई बॉन्ड ना दूर है, तो इसमें रिपल फील नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे SN2 दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे SN2 दिखा रहा हूँ, इसमें SN1 भी पॉसिबल है, SN1 तो और अच्छे से यहाँ पे होगा। अगर सपोज हमारे क्लोरिन, लेट्स से मैं इसको एक बार और लिखता हूँ, हमारे क्लोरीन सपोज यहाँ पे लीक कर गया तो क्या होगा, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 प्लस बनेगा। अब ये जो कार्बोन एटम है ना ये स्टेबल है थ्रू रेजोनेंस, थ्रू रेजोनेंस, तो ये क्या होगा, ये स्टेबल कार्बोन एटम बनेगा। तो अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक कर देगा हमको, आफ्टरऑल ये जो प्रोडक्ट है ये मिल जाएगा। तो SN1 SN2 दोनों शो करता है, SN1 अच्छा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो हमारा, तो ये तो अच्छा होगा, रेट मतलब रेट अच्छा खासा होगा। डी ऑप्शन पे देखो टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड CH3 सी, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl। तो एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पे तो SN2 पॉसिबल बहुत ही कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे आके इसका अटैक करे ना, ये मिथाइल ग्रुप है, तीनों मिथाइल ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल को स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ नहीं पाएगा।
तो अच्छा होगा यहाँ पे क्लोरीन को लीक कर दो, अच्छा लिविंग ग्रुप है तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पे कार्बोकैटन जनरेट होगा, हमारे पास कार्बोकैटन जनरेट होगा। और ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटन, ये 3 डिग्री कार्बोकैटन जो कि स्टेबलाइज्ड है थ्रू हाइपर कंजुगेशन एज वेल एज क्लास आई इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप, राइट। तो क्या होगा एग्जैक्टली, अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक कर देगी, तो ये बन जाएगा CH3 ऑल थ्राइस सी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इसमें भी हो रहा है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो कौन सी केस में नहीं हो रहा, विनाइल क्लोराइड जो है कि ऑप्शन नंबर ए पे है। इन दिस केस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट ड्यू टू दिस पाई क्लाउड। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू सो मच।